बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज ही से बोल सकते हैं और आमर लखन साहब के मुतल्लक कौमी असेंबली से लेकर हम अगर सोशल मीडिया यानी कि पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो सबको धक्का लगा है ये खबर सुनने के बाद। अचानक से ये न्यूज सामने आई है, इसके मुतल्लक क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एक आपको पहले मैं पिक्चर यहाँ पर दिखा रखा हूँ जो कि उनकी डेड बॉडी की जारी की गई है। क्या ये वाकया ही सही में है या फेक है, इसके मुतल्लक भी क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूं जो अभी तक की न्यूज सामने आ रही है उनमें ये कहा जा रहा है कि आमर लखन साहब अपने घर में ही कराची में अपने घर में ही मौजूद थे। हाल ही में आपको पता है इनकी तीसरी शादी हुई थी दानिया के साथ, यहाँ पर आपको उसके मतलब एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद अलहदगी हुई है इन दोनों की, अभी एक या दो माह हुए इस बात को। अपने घर में ही मौजूद थे। खादमों के बकौल अभी तक की जो ताजातरीन सूरत हाल ये कहा जा रहा है कि आमर साहब के दिल में या उनको खांसी थी, दिल में हल्की फुल्की तकलीफ थी। कल उनकी हल्की फुल्की तबीयत खराब थी। रात को अपने रूम में सोए हैं और सुबह हमने जब दरवाजा खड़काया दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिर हमने दरवाजा तोड़कर जब यानी कि पुलिस वगैरह को 112 वालों को बुलवाया है, उसके बाद दरवाजा तोड़ा है, उसके बाद उनको अंदर से निकाला है, तो उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी। हॉस्पिटल ले जाया गया उनको आगा खान हॉस्पिटल, कराची का बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर। तो वहां पर तस्दीक कर दी गई है जी इनकी वफात के मुतल्लक, यानी कि डॉक्टर आमर लखन साहब की भाई वफात हो चुकी है, ये कन्फर्म हो चुका है। और ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी पहले, अभी भी दिखा रहा हूँ, शायद ये उन्हीं की पिक्चर है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज का काफी चर्चा है, काफी आप बोल रहे शोर उठा हुआ है और कौमी असम्बली का भाई अजलास भी यानी कि फर्क कर दिया गया है। और इसके अलावा अभी कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आमर साहब का पोस्टमार्टम किया जाएगा, यानी कि इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या इनको कोई भी किसी किस्म का जहर वगैरह या कोई और मामला तो सामने नहीं आया। पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा।